हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेआउट कर लिए हैं कार्ड्स, और मैं रैंडमली कुछ कार्ड्स पिक करूँगी, फिर मैं क्लैरिफाई भी करूँगी उन कार्ड्स को। हम देखने वाले हैं कि आज रात आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैंड स्टिल, होल्डिंग टुगेदर, इनर ट्रूथ, द मैरिंग मेडन, और यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं, कीपिंग स्टिल। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहली जो एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है ना कि ये जो पर्सन है आपकी, काफ़ी टाइम से मुझे लगता है आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे, इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आया है, कोई भी मूवमेंट इनकी तरफ से नहीं हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इस कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने दिल से आपको छोड़ दिया है, क्योंकि दिल में अभी भी फीलिंग्स है आपके लिए, बट इट्स लाइक ये पर्सन आपके लिए एक स्टेलमेट बन चुके हैं। मतलब इनका होना ना होना एक बराबर हो चुका है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको ठीक तरह से छोड़ भी नहीं रहे, क्लोजर भी नहीं दे रहे, और आपकी ज़िंदगी में आ भी नहीं रहे लौट के, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी हो गई है जिसका यू नो इट्स अ लूजर और विन सिचुएशन। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आज रात को ये पर्सन कुछ मूवमेंट करने के बारे में सोचेंगे। काफ़ी टाइम से सिचुएशन स्टक थी, वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, तो क्यों ना कुछ इस कनेक्शन में मूवमेंट लाई जाए। ये पर्सन यूनियन को लेकर भी, लाइक वापस आपकी ज़िंदगी में आने को लेकर, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को लेकर, ठीक है, इस कनेक्शन पर टीम वर्क की तरह काम करने को लेकर सोचने वाले हैं, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर ये पर्सन कुछ सोचेंगे, कुछ डिसाइड करेंगे और कोई डायरेक्शन चुनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन अब अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं या अपने दिल की आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स है रिश्ते को लेकर, जो कहते एक गलत सोच है इनकी, उसके पार जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। काफ़ी प्योरिटी के साथ, काफ़ी क्लैरिटी के साथ सोचते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड आई कैन ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू कि थोड़ा सा ना ये पर्सन ऐसे हैं जहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेने के बजाय जो चल रहा है वो चलने दो, इस टाइप की इनकी माइंडसेट होती है, मेंटालिटी है। ये बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन में सकम कर लेते हैं। अगर थर्ड पार्टी है स्पेशली इनके लाइफ में कोई, तो अगर थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करने की या दबाने की कोशिश करे तो ये बहुत जल्दी दब जाते हैं थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। और इनको बहुत जल्दी कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। लो सेल्फ एस्टीम में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में हो, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, या करियर इश्यूज हो सकते हैं, या किस कोई ऐसी वजह जो इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से, ठीक है। बट काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन धीरे धीरे बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हैं, ओके। बट ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जिससे इनको एक कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे स्टैंड स्टिल की एनर्जी क्यों है डिवाइन? यस, मैंने बोला ना काफ़ी टाइम से स्टक है आप दोनों का कनेक्शन, और ये चीज़ अब आपके पर्सन भी रियलाइज कर रहे हैं। आप मे बी किसी पाइशन से डील कर रहे हो मीन राशि, तो ये पर्सन और आपके बीच बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत अटकी हुई सी स्टक एनर्जी मुझे दिख रही है। होल्डिंग टुगेदर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। देखिए आपसे दूर तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने दिल से आपको छोड़ दिया है, सब कुछ रिश्ते नाते अपने तरफ से एकदम ख़त्म कर दिए, ऐसा नहीं है। देर इज़ होप कि ये पर्सन वापस आएंगे, और कहीं ना कहीं आज रात को इसी बारे में, वापस लौटने के बारे में ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे इनर ट्रुथ को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स। इंसान जब अकेला पड़ जाता है ना, तब उसे रिश्तों की अहमियत समझ आती है। कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने इमोशंस को सुन रहे हैं, अपने सेंसिटिव माइंड दिल की आवाज़ को मुझे सुनते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। बहुत सैड फील करेंगे और अकेलेपन में ही ये पर्सन डीप कॉन्टम्पलेशन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेडन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे?
यस देखिए, पर्सन ऐसे है ना जो सहेंगे, ये रिश्ते के लिए लड़ने वालों में से नहीं नजर आ रहे हैं। ये चुप बैठते हैं, फीलिंग्स को दबाते हैं। अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो मे बी उस सिचुएशन के लिए फीलिंग्स को दबा रहे हैं, फैमिली ना बोल रही तो उस सिचुएशन के लिए, तो बहुत अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कीपिंग स्टिल को क्लैरिफाई करे डिवाइन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये पर्सन आपके गुस्से को, आपकी नाराजगी को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, फिर इनको लगता है अगर ऐसा फील होता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या इनसे डिटैच कर लोगे खुद को, तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं ये पर्सन क्या कर लेते हैं, पता, चुप्पी साधते हुए मुझे देख रहे हैं। ठीक है, सो यही इनके एनर्जी। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।